हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं साईं वेंकट हॉल में। राष्ट्रीय भजन दल की मीटिंग होने वाली है यहाँ पे, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोग सब लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोगों ने मतलब यहाँ पर तैयारियाँ कर रखी हैं। और रामजीत तिवारी यहाँ पर आने वाले हैं, जो राष्ट्रीय भजन दल के एक बड़े लीडर हैं। तो अभी मैं आपको मिलवाने वाला हूँ संजय कुमार मिश्रा जी से, जो अपने पूरनपुर के राष्ट्रीय भजन दल के जिला महामंत्री हैं, और मैं आपको उनसे मिलवाने वाला हूँ। और ये हैं हमारे संजय कुमार मिश्रा जी। नमस्कार, भारत माता की जय श्री राम। मैं संजय कुमार मिश्रा, जिला महामंत्री राष्ट्रीय भजन दल पीलीभीत। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू प्रसार राष्ट्रीय बजरंग दल बैनर के तले पूरनपुर साईं श्रद्धा वेंकट हॉल में अखंड भारत संकल्प दिवस समारोह का आयोजन हो रहा है, जिसमें कानपुर की धरती से आए राष्ट्रीय महामंत्री श्री रामजी तिवारी मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहेंगे। सभी हिंदू साथियों से निवेदन है कि इस भव्य अखंड भारत समारोह का हिस्सा बने। जय श्री राम। जय श्री राम। सहभागिता करने के लिए उपस्थित हुए हैं सभी लोगों का हृदय की असीम गहराइयों से राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के समस्त कार्यकर्ता सभी का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जो भी कार्यकर्तागण खड़े हैं, कृपया व्यवस्था को बनाने में सहयोग करें। सभी से अनुरोध है, कृपया आप लोग सीट पर बैठ जाएं। हम सभी के बीच में राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय महामंत्री श्री रामजी तिवारी जी पर आ चुके हैं। हम सब मिलकर के स्वागत करते हैं। सभी लोग कृपया सीट पे बैठ जाएं। अखंड भारत संकल्प समारोह, इसके प्रयोजन उद्देश्य और उद्देश्य हमारे बीच हमारी परंपरा है कि सभी शुभ कार्यों का जो शुरुआत है वो ईश वंदना से होती है। तो सबसे पहले हमारे अतिथियों से हम अनुरोध करते हैं कि दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें।
माननीय श्री रामजी तिवारी जी, माननीय श्री सुभाष जोशी जी, माननीय श्री विवेक मिश्रा नाहिल जी, आप सभी से अनुरोध है कि आप दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। कार्यक्रम प्रारंभ हो, इस निमित्त हम सभी लोग बैठेंगे सभी और तीन बार ओम ध्वनि का उच्चारण। जय श्री राम। इसके उपरांत 13 श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम, श्री राम। अब मैं अनुरोध करता हूँ सर्वप्रथम जयराम विश्वास जी से, हिंदू कार्यकर्ता आज स्वागत करेंगे संजय हिंदू जी, आपने भी एक ऐसी अलग जगह में एक बहुत मजबूत टीम हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है राष्ट्रीय भजन दल। आप जिस कुछ भी गांव में जाएंगे आपको कार्यकर्ता मिलेंगे जो राष्ट्रीय भजन दल से जुड़े होंगे। माननीय विवेक मिश्रा नाहिल जी को, विवेक मिश्रा नाहिल जी के बारे में बता दूं कि यहां पर बड़ी टीम तैयार हुई राष्ट्रीय बजरंग दल की, तो जो सूत्रधार है वो जो धन्यवाद संचालक महोदय, हमारे मंच पर विराजमान हमारे अग्रज परिवर्तित नाम भगवान, ऐसे हमारे भाई
आचार्य रामजी तिवारी जी संचालक महोदय ने परिचय करा ही दिया है और वो किसी बच्चे के मोहताज भी नहीं है। आज संपूर्ण देश के अंदर जो मशीनों से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं उस पूरी योजना के सूत्रधार आप हैं। अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। अन्य जगह की तो चर्चा ही क्या की जाए,
कमलेश तिवारी की हत्या लखनऊ के अंदर योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे हो जाती है, हिंदूवादी नेता की। मथुरा में भरत यादव की हत्या हो जाती है। कासगंज में तिरंगा यात्रा निकालने पर चंदन गुप्ता की हत्या हो जाती है। देश के अंदर 3 लाख बहन बेटियां इस्लामिक जिहादियों के द्वारा प्रतिवर्ष उठा ली जाती हैं। ऐसी स्थिति आज इस देश के अंदर है, तो हमको इसके लिए क्या हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म है? क्या हमारे पास कोई योजना है? क्या हमारे हृदय में कोई संकल्प है? क्या इस समस्या का कोई समाधान हमारे चयन में है? या विचार आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई, जिसको नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? आजादी का अमृत महोत्सव। उस आजादी के अमृत महोत्सव में हम सभी लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर जगह जगह उत्सवों का आयोजन किया। देश के 30 करोड़ स्थानों पर तिरंगा फहराया गया। जगह जगह यात्राएं हुई, आयोजन हुए, मिठाइयां बटी, प्रसन्नता का विषय था। लेकिन मैं रखा गया पश्चिमी पाकिस्तान और बाएं भुजा का नाम रखा गया पूर्वी पाकिस्तान, जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं। हमारी भारत माता का जो मुकुट था कश्मीर, उसके एक हिस्से पर ताली लगाने का विषय मुझे विचार करने का विषय है कि 15 अगस्त की वह काली रात, जिस दिन कश्मीर 15 अगस्त की वो काली रात, जिस दिन हमारे भारत के जो टुकड़े हो गए, 15 अगस्त की वह काली रात, जिस दिन हमारी लाखों बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो गए, उस समय हमारे हृदय में कहां कुछ हो गया, जब पीड़ा हमारे हृदय में। अतिथिगण यहां पर आए हैं, मैं पुनः कहता हूं, लोग कहेंगे क्या यह संभव है? खंड खंड भारत भूमि को पुनः अखंड बनाना क्या संभव है? मैं इनको कहना चाहता हूं, पुरुषार्थी लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। इतिहास के तौर पर इजराइल छोटा सा देश, 80 लाख की जनसंख्या, जिससे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, केवल 80 लाख की जनसंख्या वाला वह देश 1800 वर्षों तक गुलाम रहा और अंततः आजाद हुआ। और आजादी नहीं, आज उसके चारों तरफ रहने वाले इस्लामिक देश उससे भय खाते हैं। स्वयं का इतिहास जाकर पढ़िए, 1000 वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने, 50 करोड़ पूर्वजों ने बलिदान दिया, घास की रोटियां खाई होंगी, छोटे छोटे बच्चे दीवार में चिपका दिए गए होंगे, हमारी माताओं ने चिता के अंदर कूद कर जौहर किया होगा। तक महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह और राजस्थान के मेवाड़ में महाराणा प्रताप, ऐसे ही पूरे देश के अंदर कोने कोने में हमारे पूर्वज लड़े और अंततः उन्होंने उन आताताइयों को, अत्याचारियों को, विधर्मियों को इस भूमि से खदेड़ दिया। इसलिए असंभव कुछ भी नहीं है, बस कमी है सच्चे संकल्प और पुरुषार्थ की। जिस दिन हमारा सनातन समाज एकत्रित होकर सच्चे संकल्प के साथ पुरुषार्थ करने के लिए निकल पड़ेगा, यकीन मानिए हमको पुनः विश्व गुरु के आसन पर बैठने से कोई नहीं रोक सकता, यह तय है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, विजेताम भारत माता, भारत माता की। आदरणीय सुभाष जी मंच पर आए और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। आदरणीय भारत माता की। महात्मा गांधी जी के आंखों के सामने इस देश का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान के रूप में भारत माता का मस्तक कटकर हमसे अलग चला गया। कितना नुकसान हो गया हमारा, हमारे 3 प्रांत पूरे चले गए। हमारा सिंध हमारा था वो चला गया, बलूचिस्तान हमारा था वो चला गया, पख्तूनिस्तान हमारा था वो चले गया, जम्मू कश्मीर का 1/3 भाग चला गया, पंजाब का 66% भाग चला गया, बंगाल का 66% भाग चला गया। कुल मिलाकर भारत के हमारे 62 जिले चले गए। 9,47,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि हमारे हाथ से निकल कर चले गई। ये हम पर देश का संकट था। आजादी को संभालना, उसको संभाल कर रखना, उसको सजग कर रखना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा दायित्व बनता है। इसलिए ये काम हमारे लिए करना बहुत अति आवश्यक है। जब हम इस काम को नहीं कर पा रही है, एक दुश्मन जब उसके सैनिक को मारता है, उसका बदला 20-25% के साथ देता है, इसराइल जैसा देश 1800 साल के बाद अपने देश को आजाद करा सकता है, हम 1000 वर्ष के बाद भारत को आजाद करा।
सकते हैं, 50 करोड़ लोगों का बलिदान दे सकते हैं। हम अयोध्या में राम की जन्मभूमि को प्राप्त करने के लिए हम सनातन परंपरा पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम उस पर आस्था रखने वाले लोग हैं। इसलिए विश्वास करिए, जो भूटान कभी हमारा था, जो तिब्बत कभी हमारा था, जो नेपाल कभी हमारा था, जो अफगानिस्तान कभी हमारा था, ये सारे देश जो हमसे लगे हुए थे, जो हमारे थे, उनको भी हम एक करेंगे। अभी लास्ट में माननीय राम जी दिवाली के माध्यम से आप सब लोगों को खड़ा करके अखंड भारत का संकल्प दिलवाया जाएगा। मेरे घर पर कोई पंडित या तो कोई पुरोहित मेरे घर पर पूजा करने के लिए आता है, मेरे हाथ में गंगा जल देता है, मेरे हाथ में पुष्प देता है, गंगा जल और पुष्प देने के बाद कहता है, हमको संकल्प कराता है कि आपके घर में जो शुभ काम करने के लिए आए हैं, ये शुभ काम की आपको सिद्धि प्राप्त होगी, संकल्प को लीजिए। इसलिए अपने नौजवान साथियों को भी बताएंगे, अपने बच्चों को भी बताएंगे, अपने भारत को पुनः अखंड भारत की ओर ले जाएंगे। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय कर वीर बजरंगी। हमारे बीच में राम किशोर बाल्मीकि जी उपस्थित हैं। अब मैं आपको परिचय कराना चाहूंगा राम किशोर बाल्मीकि जी का। जब हम लोगों ने जब जलाल से एक यात्रा निकाली घाट से लेकर के केदारनाथ तक, उन्होंने मुस्लिम माहौल में शेरपुर में हम सबको न केवल स्वागत किया, बल्कि ऐसा स्वागत किया कि जो भी हमारे साथ 400 लगभग बाइक थी, कारें थी, जो भी जनमानस हमारे साथ था वो अभिभूत हो गया स्वागत के दौरान। जो भी ऊर्जा का स्तर था वो दुर्गुना हो गया रामकिशोर बाल्मीकि जी का स्वागत मुस्लिम माहौल में शेरपुर के अंदर। और हमारे समस्त कार्यकर्ता जो थे वो स्थान्य हो गए थे, अभिभूत हो गए थे स्वागत के बाद। एक बार जोर से बोलिए इनके सम्मान में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जिन्होंने हमारा बहुत भव्य स्वागत किया था हम सबका, तो मैं अनुरोध करता हूँ उनसे, सक्सेना जी से, उनकी टीम से, सपना जी से, कि मैंने वो स्वागत किया उन बहनों का, उन माताओं का, जिन्होंने मुस्लिम माहौल से खुद के अंदर हम सबका स्वागत किया था। मैं श्रीमान जी ब्राह्मण समान हो, इधर देखिए, या ठाकुर समाज हो, श्रीमान जी किसान समाज हो, इधर देखिए, युवा समाज हो, बच्चिया समाज हो, पासवान समाज हो, सामने देखो इधर के लिए, इधर देखिए, ठीक है, इधर देखिए, होगी बरसात या हमें मतलब है सिर्फ हिंदू समाज से। अगर हम सब लोग हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, तो ये हिंदू समाज में हम समाज से बहने। ये जो कार्यक्रम है
कार्यक्रम के लिए तीन मंत्र चाहिए। नंबर एक आवश्यकता, हमें अपने भारत को अखंड भारत बनाने की आवश्यकता है। नंबर दो रुचि, क्या हम इसमें रुचि लेते हैं? अगर हमने रुचि लिया, जैसे हमारे शेरपुर वाले कार्यकर्ता ने बताया, अगर हम सब एक हो जाएं तो रुचि बन जाएगी ऊपर से नीचे तक। इसका अर्थ है हम समस्त हिंदू एक हो जाएं। तो एकता में बहुत बड़ा बल होता है, इसीलिए संगठन से ही समाज, वो समाज उसको हम एक तरफ से कट्टर कह सकते हैं और दूसरा देशभक्त कह सकते हैं, क्योंकि हमें जीना है अपने देश के लिए। देश है तो हम हैं, और देश नहीं तो हम कहां। जब जब हिंदू घटा, जब जब हिंदू बटा, तब तब देश घटा। अब हमको एक होना है, और एक होने के लिए संगठन की अति आवश्यकता होती है। तीसरा मंत्र है क्षमता। क्षमता का अर्थ है क्या, मैं समय दे सकता हूं, मैं धन दे सकता हूं, मैं पूर्णकालिक बन सकता हूं, मैं अंशकालिक बन सकता हूं। श्री हर्ष प्रधान जी को, जो कि हमेशा ही सूत्रधार होते हैं हमारे समस्त कार्यक्रमों के, श्री हर्ष प्रधान जय श्री राम। आज प्रफुल्लित समा नहीं रहा हूं कि इतने ओजस्वी विचार सुने तो बैठा हुआ शाम साइड में विचार कर रहा हूं कि क्या बीती होगी इन सबको ये दर्दनाक चीज सुनते हुए और बोलते हुए। शब्द मेरे पास रह नहीं गए उन मंजरों को याद करें हम लोग, जब इनने ये वक्त बताया होगा अखंड भारत। हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है या मोदी जी फीता काटते हैं, योगी जी फीता काटते हैं, ठीक है, जो देख रहे हैं हम लोग टीवी पे, पुरानी चीजें हम लोग को याद ही नहीं। पाकिस्तान क्या है? अरे दुश्मन है पाकिस्तान, मुर्दाबाद। बांग्लादेश क्या है? मुर्दाबाद, ठीक। ये सब हमारे अंग थे, अंग हमारे एक कट गए, अब हम लोग और अंग ना कटे और हिंदू संगठित हो। त्यागी जी अभी इतना ओजस्वी अपना संबोधन दे रहे थे, मेरे ख्याल से हम सब लोगों को अपनी जिंदगी में उनको उतारना चाहिए। यहां हमारे बीच में भाई आए रामकिशोर जी, पहली बार आज देखा कि कणकण में राम बसे हुए हैं, पटने नहीं देंगे, और जो पट गया वो वापस लेंगे। कैसे वापस लेंगे? इस तरीके से वापस नहीं आ पाएगा। हम लोगों ने जल अभिषेक यात्रा निकाली, संगठन हमारा नया था, आप सबका जोश देखा, सब में हौसले आए और हम लोग बढ़ गए। पूरनपुर में अब की जो त्यागी जी आए, अब भी नाहिल जी आए, अब भी राम जी आए, तो ये हमारा बैंकेट हाल छोटा पड़ जाना चाहिए। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, लगातार कार्यक्रम होने के चलते हुए हम लोग शायद ज्यादा मेहनत नहीं कर पाए या लोग बहुत व्यस्त थे इसलिए वो आ नहीं पाए, इसका मुझे खेद है। मुझे उम्मीद की संख्या बहुत होगी मगर ये भी बहुत कम नहीं है। हमारे नगर के एवं दूर दराज से आए हुए सभी का हम दिल से आभार प्रकट करता हूं। किसी व्यक्ति की संस्था हो सभी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते मैं उन्हें भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा, जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि भीड़ कम है, मैं सम्मानित मंच हमारे जो अतिथिगण आए हुए हैं मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये लगातार प्रोग्राम 20 दिन से चल रहे हैं, लगातार आदि इधर से उधर भाग लेते हैं,
थोड़ा हर आदमी को पता लग जाए कि देरी हुई। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं, उन्हें कभी तो रोक आए हुए हैं। अगली बार जो प्रोग्राम होगा आपने अपना हाल के बाहर मत दी से लगातार मंच की बातों को सुन रहे आप सभी धन्य हैं, बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र। मंच पर विराजमान पूज्य संत चरण अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय सुभाष जोशी जी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ब्रज प्रांत के सह संगठन मंत्री माननीय विवेक मिश्र जी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद पीलीभीत जिले के अध्यक्ष आदरणीय दयाल विश्वास जी, जिला मंत्री आदरणीय अशोक राठौर जी, राष्ट्रीय बजरंग दल के पीलीभीत जिले के महामंत्री श्रीमान संजय मिश्रा जी, मंच पर विराजमान विशिष्ट गणमान्य अतिथिगण जिनकी रक्त में सिरों में धमनियों में वेद काल से मृत्युंजयी अजय पराक्रमी पुरुषों का रक्त प्रवाहित हो रहा है, ऐसे वीर हिंदू धर्म योद्धा बंधुओं और माता भगवती की जिनके रक्त में सिराओं में कृपा दौड़ रही है, ऐसी मात्र शक्ति वंदनीय आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज मुझे अखंड भारत के विषय पर बोलने को कहा गया है। बलिदानी वीरों की गाथा अपने रग रग लहराती है, अपना भी इतिहास बने अब अपनी भी तो बारी है। युगों युगों से यही हमारी चली आ रही परिपाटी है। खून दिया है नहीं दी मगर देश की माटी जय श्री राम, जय श्री राम। ये हमारी परंपरा है, ये हमारा युगों युगों का पराक्रम है जो हमारे पुरखों ने हमको सौंपा है। भारत माता की जय। जब ये शब्द हम बोलते हैं तो सहज रूप से हमको स्मरण होता है हमारी माता की जय का, हमारी माता के पराजय का। और वो कौन माता? वो भारत माता जो सिंह वाहिनी है, वह भारत माता जब सत्य खंड धरातल पर केवल हिंदुओं का ही शासन हुआ करता था, जब सत्य खंड धरातल पर
वेदों की ऋचाएं ही गूंजा करती थी, जब हिंदुकश पर्वत श्रृंखलाओं पर भगवान लहराता था, वो भारत माता जो अजय है, पराक्रमी है, मृत्युंजय है, जिनके पुत्रों ने अपना शीश दिया, अपने शरीर का रक्त का कण कर दिया, लेकिन अपने देश की एक इंच भूमि किसी विधर्मी को, किसी म्लेच्छ को, किसी दुष्ट आताताई पापी के हाथों में नहीं दी। यह भाषण देने का दिन नहीं है, यह संकल्प लेने का दिन है, यह विश्वास का दिन है, यह स्मरण करने का दिन है, उन परंपराओं का, उन बलिदानों का, उस त्याग और समर्पण का जो एक सहस्त्राब्दी से हमारे पुरुषों ने भारत की रक्षा के लिए किया है, और आज अनगिनत लोग अपना घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, अपना जिला और शहर छोड़कर देश भर के विभिन्न स्थानों पर मां भारती की सेवा के लिए निकले हुए हैं। आज हम इस स्थान पर अखंड भारत के स्वरूप का चिंतन करने के लिए आए हैं, अखंड भारत के स्वरूप का स्मरण करने के लिए आए हैं। जब कभी हम भारत माता के उस चित्र को देखते हैं और जब हम भारत माता की जय बोलते हैं, तो हमारा संपर्क, हमारा संबंध उन स्थानों से भी हो जाता है, जो स्थान 14 अगस्त की रात के बाद हमारे नहीं रहते हैं। 14 अगस्त की रात हमारे लिए विभीषिका की रात है। 14 अगस्त की रात हमारे लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए कुछ बताने वाली रात थी। वो कौन सी रात थी जिस रात पर 1.5 करोड़ से ज्यादा हमारे ही हिंदू भाइयों का जीवित विस्थापन हो गया। उस रात में लाहौर और कराची से चलने वाली ट्रेनें जब अटारी रेलवे स्टेशन पर आती हैं, तो नरकंकाल आते हैं, जीवित मनुष्य नहीं आते। 10 लाख से ज्यादा हिंदुओं का कत्लेआम, 1.5 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का जीवित विस्थापन दुनिया की किसी भी इतिहास में हमको देखने को नहीं मिलेगा, पढ़ने को भी नहीं मिलेगा। तो आज अखंड भारत के इस अवसर पर हम आज उसका चित्रण करने और उसका स्मरण करने के लिए भी इकट्ठा हुए। जब हम भारत माता की बात करते हैं, तब हम याद करते हैं हमारे 4 दीप, हमारे 4 दीपों का हम स्मरण करते हैं, हमारे 52 शक्तिपीठों का भी स्मरण करते हैं, हम स्मरण करते हैं हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, 108 विष्णु मंदिरों का भी हमको सहसा स्मरण हो जाता है। हम इस नव के द्वारा बसाया गया लाहौर हम स्मरण करते हैं, भगवान राम के पुत्र कुश के द्वारा बसाया गया कुसूर, गुरु नानक देव की जन्मभूमि ननकाना है, पवित्र हिंगलाज देवी, माता ढाकेश्वरी देवी, वो रावी, वो चिनार, वो झेलम, वो सतलज नदियों का तट हम स्मरण करते हैं, वो पवित्र सरोवर कटासराज जहां पर पांडवों से यक्ष ने प्रश्न पूछे थे, हमको स्मरण आ जाता है, हमको स्मरण आ जाता है। वो कांधार माफी को छींक नहीं दी, लेकिन हमारे उस
सभा के नेतृत्व ने केवल निर्णय के आधार पर कायरतापूर्ण हरकत करते हुए और इस महात्मा को खुश करने के लिए और इस भटवारे को हाई हाई भटवारा बनाने के लिए सड़कों पर निकल आए और कहा था बिना कुछ संभव ही घास की रोटी खाई
अपने परिवार परिवार को बलिदान कर दिया, हमने जौहर किया, अपने पुत्रों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया, हमने अपने पुत्रों का शीश कटवा दिया, खोलते कड़ाहे के तेल में अपने को जिंदा भुजवा लिया, शरीर की चमड़ी उतरवा ली। लेकिन हमारे सामने उस समय के नेतृत्व ने जो पीतर में केवल रंग भेद के आंदोलन के कारण संपूर्ण दुनिया में चर्चा में आ गया और उस कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना, उस कांग्रेस को ज्वाइन किया जिस कांग्रेस को 1885 में अंग्रेजों के षड्यंत्र के कारण ए.ओ. ह्यूम एक अंग्रेजी व्यक्ति ने, आपको याद होना चाहिए कांग्रेस की स्थापना किसने की, 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने, क्योंकि उस समय देश में 1857 की क्रांति का वातावरण चल रहा था। 1857 में अगर क्रांति सफल हो गई होती तो आज हम 90 साल पहले भारत को आजाद करा लिए होते, भारत विभाजित नहीं होता। लेकिन उस समय के कुछ लोगों की जल्दबाजी ने, उस समय के कुछ लोगों के जोश ने हमको 90 साल और आगे छोड़ दिया। 1947 में हम आजाद हो गए, विभाजित हो गए। 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद देश में कहीं विद्रोह ना हो जाए, देश में कहीं दंगे ना हो जाए, देश में कहीं षड्यंत्र ना हो जाए। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र को रोकने के लिए सरकारी संस्थाओं के सहयोग से, एलआईयू इंटेलिजेंस के सहयोग से आंदोलन खत्म नहीं किया, उसने आंदोलन और तेज कर दिया। देश के मुसलमानों को 1911 में मुंह की खानी पड़ी और मुसलमान हार गया, बंग भंग आंदोलन विफल हो गया। अंग्रेजों ने बंगाल के विभाजन की घोषणा वापस ले ली और बंगाल पटने से बच गया, आसाम से बच गया, नहीं बचा। बाद में बंगाल की जीत हुई, बांग्लादेश बनकर और मुसलमानों की हार हुई। मुसलमानों के नाम से अलग देश बनाने वाले, मुसलमानों की शरीयत के आधार पर, अपने शरीयत कानून के आधार पर, अपने तुगलकी फरमानों के आधार पर आवश्यक है। मोहम्मद बिन कासिम के बाद भारत में आक्रमण हुआ,
आपने जाना है बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम की जन्मभूमि पर बने मंदिर को 1528 में तोड़ दिया। अब जाकर 500 सालों में हमने पुनः भगवान राम की जन्मभूमि प्राप्त की और वहाँ पर भव्य राम मंदिर निर्माण का जो संकल्प हमारे पुरखों ने देखा था वो पूरा करने जा रहे। 4 लाख से ज्यादा हिंदुओं का बलिदान, 78 युद्ध हमने उसमें लड़े, तब जाकर हमको ये राम की जन्मभूमि प्राप्त होने वाली है। अभी कई मंदिर बचे हैं, अभी कई स्थान बचे हैं, हमको वह प्राप्त करना है, वह पुनः लेना है। अभी काशी विश्वनाथ बचे हैं, अभी हमने जिनका जन्मोत्सव मनाया 2 दिन पूर्व, भगवान श्री कृष्ण उनकी भी जन्मभूमि वृक्षों के मस्जिदों के नीचे, मस्जिद के नीचे दबी हुई है, हमको उनको भी पुनः प्राप्त करना है। ये संघर्ष है किसका? अपने स्वाभिमान के पुनर्प्रतिष्ठा का। ये संघर्ष है अपने बलिदानी पुरखों के पुरखों को समर्पित, उनको जो श्रद्धांजलि देने का कि हम उस भूमि को पुनः प्राप्त करेंगे जो भूमि हमसे छीन ली गई। कब प्राप्त करेंगे? जब हम शक्तिशाली हो जाएंगे, जब हम सामर्थ्यवान हो जाएंगे, जब हम पराक्रमी हो जाएंगे, जब हम वैभवशाली हो जाएंगे, तब हमसे जो लुटी भूमि है, जो छीनी गई भूमि है, वो पुनः प्राप्त करेंगे। ये हमारा संकल्प है कि उस भूमि को प्राप्त करने के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे, संघर्ष में पीछे नहीं हटेंगे और उसके लिए हमको बलिदान देना पड़ेगा। तो बलिदान देंगे कौन? हरिजन कौन? गिरिजन भ्रांति है सब धारणाएं, एक हिंदू रक्त है शेष सब अवधारणाएं, चतुर्वर्णमया सृष्टि गुण कर्म विभाग सा। जब संपूर्ण भारत एक हो जाएगा, राम ने उत्तर दक्षिण जोड़ा, भेद भाव से नाता तोड़ा, हमको राम के समर्पण का, राम के त्याग का और राम के पुरुषार्थ का, राम के पराक्रम का स्मरण करना होगा और उनके डीएनए से अपना डीएनए एक मिलाना होगा। नहीं औरंगजेब जिसने अपने भाई का गला काट दिया सत्ता के लिए, और एक जिन्होंने भाई के लिए राज सत्ता त्याग दी, क्योंकि राम धर्म के प्रेरक है, लक्ष्मण काम के प्रेरक है, भरत मोक्ष के और शत्रुघ्न अर्थ के प्रेरक है, सूचक है, उनके आधार पर ही भारत की संपूर्ण परिकल्पना साकार हो सकती है। इसलिए हम सब मिलकर वीर सावरकर ने जो कहा था उसको ध्यान में देने वाली बात है। वीर सावरकर ने क्या कहा था? जब सुभाष बाबू वीर सावरकर के पास पहुंचे और वीर सावरकर से कहा कि जिन्ना कह रहा है कि या तो हम पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलेंगे या हिंदू महासभा के अध्यक्ष विनायक दामोदर वीर सावरकर से मिलेंगे, क्योंकि विनायक वीर दामोदर सावरकर उस समय हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे और जिन्ना कहता था वो हिंदुओं के लीडर है, हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और मैं मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, इसलिए अगर मेरी वार्ता होगी तो केवल विनायक वीर सावरकर से होगी या पंडित जवाहरलाल नेहरू से होगी। तो वीर सावरकर ने क्या कहा आपको ये सुनना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए कि वीर सावरकर ने सुभाष बाबू से कहा था, अरे ये दुष्ट है, इसकी रक्त में ही धूर्तता है, ये महाधूर्त है, ये निकृष्ट है, ये तमाम पत्रकारों को मीडिया के लोगों को बुलाकर रखेगा और कहेगा देखो हिंदू हमारी हमारे सामने नाक रगड़ रहे हैं, हिंदू हमारे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, इसलिए सुभाष बाबू इस मिलेच्छ से मिलने की आवश्यकता नहीं है, इससे इसके सामने गिड़गिड़ाने की भी आवश्यकता नहीं है, अंग्रेज तो भागने वाला है, अंग्रेज इस देश को छोड़कर जाने वाला है, इसलिए मुसलमानों से कोई बात नहीं करनी, इन मुसलमानों को इनके हाल पर छोड़ दो, अंग्रेज जिस दिन इस देश से भागेगा इन मुसलमानों को तो हम ठीक कर देंगे। सुभाष बाबू आप जाओ जर्मनी से सैन्य सहयोग मांगो, सुभाष बाबू चले गए, जर्मनी में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई और आजाद हिंद फौज की स्थापना के बाद भारत में सैन्य संघर्ष प्रारंभ कर दिया, और जो विनायक दामोदर वीर सावरकर ने कहा था कि हिंदुओं का सैन्यीकरण हो, हिंदुओं अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो जाओ, उस समय विश्व युद्ध का समय था, विश्व युद्ध के समय उन्होंने कहा कि जब हम क्रांति करते थे, जब हम संघर्ष करते थे तो हमको बंदूकें नहीं मिलती थी, हमको गोलियां नहीं मिलती थी, आज आपके सामने अवसर है, अंग्रेज आपको बुला रहा है, जाओ अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाओ। हिंदुओं ने भी अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो गए और उसका परिणाम ये हुआ कि जब हमारा सैन्य संघर्ष अंग्रेजों के साथ प्रारंभ हुआ तो उस समय आजाद हिंद फौज का जो सेनापति थे
गोष्ठी, उन्होंने कहा उस सेना के साथ कि मैं सुभाष चंद्र बोस की सेना का सेनापति हूँ, तो वो जो सामने के लोग खड़े थे संगीनों के लिए, वो सुभाष बाबू की सेना के साथ मिल गए। जो 200 युद्ध होने वाले थे वो युद्ध समाप्त हो गए। मात्र 14 छोटे छोटे युद्धों में हमने वो क्षेत्र जीत लिया और अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया। लेकिन दुर्भाग्य से सैन्य अभियान वापस दे दिया, सैन्य का जो हमें चक्री के, लेकिन आप सबको मालूम है आज तक उनका कोई पता नहीं, कोई हम युद्ध जीतने वाले थे, हम भारत के अंग्रेजों को खदेड़ने वाले थे, लेकिन मुसलमानों के आगे दुर्भाग्य ने उस अंतहीन संघर्ष में धकेल दिया जहां पर हम आज भी 1947 और 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने जो काम किया, मोहम्मद बिन कासिम ने राजा को मारा, राजा को हराया, लेकिन हमारे मंत्र तोड़े। इसके पहले भारत ने कभी यह नहीं देखा कि किसी बाहरी का आक्रमण हुआ हो और वो हमारी प्रजा को मारे, हमारे मंत्र तोड़े। अभी तक जो आक्रमण होते थे, अभी तक जो राजाओं का युद्ध होता था, वो राजा और राजा आपस का होता था, उसमें प्रजा को नहीं सताया जाता था। लेकिन 712 के बाद मुसलमानों के आने के बाद मुसलमानों ने हमारे मंदिर तोड़े, हमारे लोगों को मारा, हमारी गाय को काटा और हमारे तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालयों को भी जलाया, हमारे ज्ञान को समाप्त करने का प्रयास किया। कुल मिलाकर यह जमीन को जीतने की लड़ाई नहीं है, यह भारत का अस्तित्व है, हमारे ऊपर देवता हिमालय का अस्तित्व है। तो हिमालय की गोद में बसे हुए पूरनपुर में हो और आपके बगल का जो जिला है वो क्रांति का गढ़ है, वहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल सरीखे क्रांतिकारी होते हैं, वहाँ पर ठाकुर रोशन सिंह सरीखे क्रांतिकारी होते हैं, उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। और अल्लामा इकबाल को याद रख लेना, 1906 में कौमी एकता का तराना गाया, 1904 में कौमी एकता का तराना, बुले है इसकी ये गुलसिता हमारा, अल्लामा इकबाल ने गाया और उसके कुछ ही वर्षों के बाद अल्लामा इकबाल का हृदय परिवर्तन हो गया और वो भी कहने लगा, दौरे बाओ गंगा उतरा तेरे किनारे, दौरे बाओ गंगा उतरा तेरे किनारे, जब कारवां हमारा है याद जाए तुझको, मुस्लिम है हम वतन के सारा जहां हमारा, मुस्लिम है हम वतन के सारा जहां हमारा। एक वही अल्लामा इकबाल जो पहले कौमी एकता के तराने गा रहा था, हिंदू मुसलमान को एक बता रहा था, वही अल्लामा इकबाल बोलता है इस जहां के मुसलमान हम है, ये धरती हमारी है और ये काफिर और बुतपरस्तों की भूमि है, हम किसके, हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। जब गंगा निकलती है तो उसमें भागीरथी मिलती है, उसमें अलकनंदा मिलती है, उसमें यमुना मिलती है, सरस्वती मिलती है, आगे जाकर गंगा सागर में भी वो गंगा कहलाती है, वो गंगा जमुना सरस्वती अलकनंदा नहीं हो जाती, वो गंगा जमुना सरस्वती भागीरथी भी नहीं हो जाती, गंगा गंगा है, गंगा का पुण्य पवित्र प्रवाह है, यही हमारी मातृभूमि का पुण्य पवित्र प्रवाह है, यहाँ गंगा है, यहाँ यमुना है, हमने कहा है गंगा सरस्वती सुंदर ब्रह्मपुत्र से गंडकी कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गंगा महान। इसमें कुछ नाम आते हैं जो आज हमारे पास नहीं है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, कुछ नाम आते हैं जो आज हमारे पास नहीं है, वो सिंध नहीं बलूचिस्तान नहीं, 62 जिले हमारे पास नहीं, वो पूरे 3 प्रदेश हमारे पास नहीं, वो पश्चिमी सीमा प्रांत उत्तरी सीमा प्रांत हमारे पास नहीं, वो 8 शक्तिपीठ हमारे पास नहीं, वो रावी चेनाब झेलम सतलज नदियां हमारे पास नहीं, वो भूभाग नहीं, 29% उपजाऊ भूभाग। आपको मालूम है कि जब भारत का विभाजन होने जा रहा था तब देश में 14% मुसलमान था, देश कौन जाते हैं, केवल 14% मुसलमान जाते हैं और 9% मुसलमान भारत में रुक जाते हैं, हमारी छाती पर आज भी मूंग दब रहे हैं, और वो 9% मुसलमान आज बढ़कर कितने % हो गए, 16% हो गए। और जहां पर
13% मुसलमान थे, वहां मात्र 1% मुसलमान बचा पाकिस्तान में, और उनकी हालत आग से छुपी नहीं। और वो पूर्वी पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बना, जहां ढाकेश्वरी देवी है, वहां पर 32% मुसलमान जो स्वस्थ है, जो युगों से संजीवनी प्रदान कर रहा है, आरोग्य प्रदान कर रहा है, संपत्ति प्रदान कर रहा है। आपने कभी सुना कि मैथमेटिक्स भी धर्म का हिस्सा हो सकती है? मैथमेटिक्स भी किसी रिलीजन का हिस्सा हो सकती है, कुरान का हिस्सा हो सकती है, चर्च का, मस्जिद का हिस्सा हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ मैथमेटिक्स को, वैदिक गणित को भी वैदिक रूप में हमने स्वीकार किया है। हमने आयुर्वेद को स्वीकार किया है। कभी एलोपैथ भाई हिस्सा हो सकती है, कभी यूनानी या अन्य पद्धतियां। हमने आयुर्वेद को अपने वेदों का अंग बनाया है, हमने वैदिक गणित को अपने वेदों का अंग बनाया है। आपको करने की घबराने की जरूरत नहीं है, इनके अपने असुर प्रस्तों की पूजा होती है। जब जो नर्सरी में वो कहेंगे नहीं है, एक भगवान नहीं है, एक दोस्त नहीं है, वो कहेंगे 30 करोड़ है, कोई कहेगा 330 करोड़ है, कोई कहेगा 30 कोटी है। आप कहोगे भैया थोड़ा सा ध्यान रहो, अभी तुम डे बोर्डिंग में जा रहे हो, अभी तो तुम 2.5 साल के बच्चे हो, वहां पर तुमको एक व्यक्ति संभाल, वहां पर दूसरे की आवश्यकता नहीं है, वही तुम्हारी बॉडी साफ कर लेगा, वही तुम्हारा भोग। लेकिन जब तुम तेजी अच्छा लेकर जाओगे तो अभी एक या दो टीचर आपके साथ का प्रबंध कर लेंगे। जैसे जैसे आपकी चाबी है, आपका एक एक शब्द पर एक एक थीसिस होने लगेगी, और उसको पीएचडी किसके अंदर में होगी, किसी एक विषय के अंदर में होगी, और किसी एक मास किसी एक ग्रुप के अंदर में होगी। इसके हमारा बृहद विज्ञान है, हमारे यहाँ बृहद विचारशीलता है। वहाँ तो ऊपर से नीचे तक काला भूता पहना कर सड़कों पर छोड़ देते हैं। कभी आपने सुना है कि किसी क्रिश्चियन महिला ने किसी के साथ प्रवेश किया हो? बातचीत करने का उनको अधिकार केवल मौलवी को है, मुफ्ती को है, और किसी को नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ धर्म पर करने का अधिकार जब आपके गुरु शंकर केरल से निकले और उन्होंने सांस्कृतिक विजय यात्रा की, और वो सांस्कृतिक विजय यात्रा चारों संपूर्ण भारत से मान दिया, और शास्त्रार्थ किससे हुआ, से किससे हुआ, आचार खंड दूसरा, और उस शास्त्रार्थ की जब एक महिला उसका भक्ति की बात को यह भी जानना चाहिए। अभी तो भैया भाई जिला टोली ने कुछ नवीन घोषणाओं के लिए विचार किया है। माननीय जिला अध्यक्ष डॉक्टर दयाल विश्वास जी ने पर विश्वास जताया है, उनका मैं इस मंच से वाचन करता हूं। नवनीत मिश्रा जी, आपको अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है। मानस शुक्ला जी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नगर मंत्री की जिम्मेदारी दी जाती है। अजय पांडे जी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद तहसील उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है। विवेक तिवारी जी को नगर मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी जाती है। अंबर मिश्रा जी को राष्ट्रीय बजरंग दल के नगर उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है। शिवम भदौरिया जी को तहसील अध्यक्ष लोक सेवा परिषद की जिम्मेदारी दी जाती है। जगदीश पांडे जी को जिला उपाध्यक्ष गौ सेवा परिषद की जिम्मेदारी दी जाती है। रामकिशोर राजनीति जी को राष्ट्रीय बजरंग दल शेरपुर का ग्राम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, और विकास भारती जी को पूरनपुर कायस्थान वार्ड का वार्ड अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। हम सभी दोनों हाथ ऊपर उठाकर ओम ध्वनि के साथ इन सभी घोषणाओं को स्वीकृति देंगे। आदरणीय रामजी तिवारी,
स्वागत करें। जय श्री राम। काम में तो ये दोनों पहुंचते हैं और अनगिनत अंतिम संस्कार करवा चुके हैं अभी तक मेरे साथ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमन और ऋतिक से कि वो स्टेज पे आए और उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा बाना शुक्ला जी को, जगदीश पांडे जी को। जल्दी करते रहे, जल्दी पहुंच जल्दी। शेख सिंह डेली को जो कपूरपुर से लेके हर जगह गौ माता की सेवा में साथ रहते हैं, स्वागत। उसके बाद काम चल रहा था गौ सेवा का, जहाँ हमारे मेहनती भाई काम करते थे, श्रेय कोई और लेता था। वो सारे विश्व हिंदू परिषद के हमारे 16-17 मेंबर्स यहाँ पे नहीं उपस्थित हो पाए, लेकिन उनके मेन मेंबर श्री अजय कुशवाहा जी अपनी पूरी टीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद को आज ज्वाइन करते हैं। जय जय श्री राम। कुशवाहा जी और इनकी संपूर्ण टीम का स्वागत है। जय श्री राम। बुलाना चाहूंगा महिपाल जी को, जिनका बच्चा मुजफ्फरनगर के वहाँ के 4-5 गांव के सभी गौ सेवा का पूरे जिम्मा उठाते हैं। अभिषेक मिश्रा जी, इनका स्वागत करने के लिए बुलाना चाहूंगा अभिषेक सक्सेना जी। जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत। गौ सेवा करते रहिए, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं, कुछ नहीं है, हमारा धर्म है। गौ सेवा करते रहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। और इसी के साथ में सामूहिक फोटो बाहर सभी करेंगे, वहीं पर जलपान सबको प्राप्त हो जाएगा और अपने अपने घरों को जा सकेंगे। कोई भी एक ग्रुप भारत की अखंड व शक्तिशाली बनाने के लिए तन मन धन पूर्वक इसके लिए तब तक कार्य करता रहूंगा जब तक यह अखंड भारत नहीं बन जाता। अखंड भारत नहीं बन जाता। भारत माता की जय। वंदे वंदे देश के अमर शहीदों की। देश के अमर शहीदों की। भारत माता की। भारत माता की। यहाँ के मंत्र लोगों के आग्रह के बाद के गुरु गुरु सभी लोग पूर्णात पूर्ण गच्छते पूर्णाय पूर्णमेवा वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। काशी विश्वनाथ की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु भाई सब संतन की जय। गुरु भाई सब भक्तन की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। वंश हत्या बंद हो। धर्मांतरण बंद हो। भारत अखंड हो। भगवान कार्यकर्ता रुकेंगे, सभी लोगों का अल्पार होगा, सलंकार लेके जाएंगे। हेलो गाइस, अभी जो है हम लोग साई वेंकट हॉल में हैं और यहाँ पर जो राष्ट्रीय बजरंग दल की मीटिंग थी वो समाप्त हो चुकी है। फाइनली सब लोग खाना पीना खा के अपने अपने घर जा चुके हैं और अभी हम लोग क्या कहने वाले हैं कि जैसे कि हमने जितनी भी मेहनत की है इस वीडियो में, उस वीडियो को बढ़िया तरीके से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा बगैर किसी स्किप करे हुए। और अभी हम आपको अब कुमार अभिषेक जी से मिलाने जा रहे हैं। कुमार अभिषेक जी बताइए कुछ अपने बारे में। जय श्री राम।
मैं आपको बताना चाहूँगा, ये राष्ट्रीय भजन दल है और देश का बल राष्ट्रीय भजन दल।